स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, किस क्या पढ़ रही हैं? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। कभी कभी शो में आया करो, मेरे शो में जरूर आया करो, जब मैं रेगुलर हूँ यहाँ पे तो जरूर आया करो। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? हर्षिका। हर्षिका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ कहना है? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आदमी को अगर वोट देना ही है तो सब कुछ ओवरऑल कैलकुलेट करके देना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, मतलब ये इतनी अच्छी बात है आपने कही कि अगर किसी को वोट देना है तो सब कुछ कैलकुलेट करके वोट देना चाहिए, तो इसमें क्या कैलकुलेट करें, क्या लॉन्गिट्यूड, क्या लैटिट्यूड, कौन सी वर्टिकल लाइन, क्या सिर्फ देखना चाहिए? यही सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ। तो अगर जिसका प्रोज ज्यादा है तो हमें उसको तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग अंधभक्त होके चलते रहे सब। हाँ। सारे लोगों का हम लोग को अच्छाई और बुराई देख के चलना चाहिए। ऐसे भी आपका वोट है? हाँ? आपका वोट है। रहने वाली कहाँ की हैं आप? बिहार के। बिहार में कहाँ से? गया से। गया से, ओ है, है? कौन माधुरी जी? मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, मैं आ रहा मैं आपसे भी आऊंगा, बिल्कुल पूछूंगा, 100% आपके पास आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको चुनना है, आपकी पार्टी है, तो वो कौन सी है? नहीं बता सकते। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो पार्टी में, जो आपकी पार्टी में, जो भी आपकी पार्टी है, वो कितना सही बैठती है और कितना गलत बैठती है? जो भी है, बस डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, पर जो भी है हम सही इंसान को वोट करेंगे। नहीं, वो तो मुझे मालूम है आप करेंगी, लेकिन अभी कौन लग रहा सही है? तो शो में खड़ी हैं आप, तो मैं जानना चाहता हूँ, लोग आपको सुनना चाहते हैं कि अगर इसने इतना BA ऑनर्स कर रही है हिस्ट्री से, तो इन्होंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तो वो कौन सी पार्टी? देखिए, अगर बात करें, भाई देखिए, गलत बात है ये, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप प्लीज मेरे शो से चले जाइए। और बदतमीजी के लिए कुछ हमें ज्यादा करना नहीं पड़ता, बदतमीजी माथे पे ही लिखी रहती है, कपारे पे, हम पढ़ लेते हैं कि ये बदतमीज है, और फिर हम एक सेकंड नहीं लगाते कि सबसे कुछ, बिल्कुल आप रोते हुए बिलबिलाते हुए जाएंगे, बहुत ज्यादा काबिल मत बनिएगा जी। अगर हम लोग करंट गवर्नमेंट का बात करें तो वो ऐसा गवर्नमेंट है जो अगर कोई भी सिचुएशन इंटरनेशनल या नेशनल हो तो वो एग्रेसिव अटेम्प्ट तुरंत ले लेता है कि हाँ, हमें ये चीज हटाना है या फिर कुछ करना है, तो हाँ हम हैं उसके लिए। पर अगर अगर बात करें इकोनॉमी की, तो उसमें शायद थोड़ा बहुत लैग सब में रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, अगर इंटरनेशनल नेशनल रिलेशंस का बात करें तो बेस्ट है। मतलब अगर बात करें तो कोई ऑप्शन में रहे तो कुछ कहा भी जाए। आप सोचेंगे कि निकलवा ही लिया इन्होंने मुंह से, आप सोचेंगे बहुत काबिल समझ रहे होंगे हमको। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि जो युवा पीढ़ी है वो एनालिसिस कर रही है तो किस वजह से, कहां पे। राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते, मल्लिकार्जुन अंजुर खड़गे ने कहा, माफ करिएगा, राजस्थान में, कि आप कहते हैं कि हम देश तोड़ रहे हैं। अरे, हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश आप तोड़ते हैं। और जब आप कहते हैं जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे लाना। अरे, हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, हम देश को नहीं तोड़ रहे हैं। BJP पहले इस बार, उसके बाद कांग्रेस जी। 3000 किलोमीटर चले भारत जोड़ो यात्रा में, 3000 किलोमीटर चलने के बाद की नफरत बहुत है, उनको जोड़ना है सबको। आखिरी में जब कश्मीर पहुंचते हैं राहुल गांधी, तो युवाओं से मिलते हैं, वो कहते हैं, और अपनी बहन के साथ खूब खेलते हैं, वो वहाँ इतनी सुरक्षा इनको, और उसके बाद कहते हैं कहीं कोई नफरत नहीं। मैंने आपसे फिर कहा था, नफरत देश में नहीं है, नफरत कांग्रेस बोती है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता ने उदाहरण दिया, उदाहरण चीन का, चीन की सेना PLA का उदाहरण दिया। अरे, आपने चीन के साथ इतना प्रेम क्यों है? चीन से आपने MOU साइन किया सूचनाओं के आदान प्रदान का, सूचनाएं क्यों आप लेती हैं चीन से? अपनी सूचना का स्रोत पैदा करिए, अपने देश की सूचना लीजिए, जनता की सूचना लीजिए। जी, राइट।
हम क्यों कहते हैं कि इन्होंने लगातार इस देश के अंदर केरोसिन छिड़कने का काम किया है? एक छोटे बच्चे जी जी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, हम थोड़ा आगे आ जाएंगे थोड़ा जी। एक छोटे बच्चे को मुस्लिम होने पर उसके मुंह पर उसके चाटे जड़े जाते हैं, ये सबने देखा वो वीडियो, और आपने उसके ऊपर डिबेट भी किया था। कितनी इस देश के अंदर लगातार नफरत फैला रही है, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा है जो हाथ पकड़ रहा है सभी युवाओं के, खासकर कि राहुल गांधी जो लगातार जननायक बन रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं देश के प्रधानमंत्री जब वोट तो ले लिया उन्होंने, मणिपुर में सरकार भी अपने नाम पर बना ली, लेकिन किया क्या उन्होंने? मणिपुर जलता रहा, और वहीं मैं हरियाणा से आती हूँ, नूह में लगातार हिंसा हुई, और मैं कहती हूँ जिन युवाओं के हाथ में किताबें कलमे देनी चाहिए थी, इन लोगों ने उनके हाथ में पत्थर देने का काम किया। ओके ओके एक आज डिबेट खत्म होगी। पाजी ने मेरे को इशारा किया कि डिबेट खत्म करिए, आज दो पहलवान यहां पे अखाड़ा लगाएंगे, दो लोगों की कुश्ती होगी, और कुश्ती का आनंद लेना चाहते हैं आप लोग? जोर से बोलो, लेना चाहते हैं? बड़े कसम से आप लोग भी वही हैं, अच्छा ही आपको वही लगता है। एक एक बोलेगा, एक एक बोलेगा, वरना मैं निकालूंगा डिबेट से। वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, लो 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 बीजेपी। ये कांग्रेस के ही प्रवक्ता है ना, कांग्रेस के ही नेता राजीव गांधी थे, जब सिखों का कत्लेआम इसी दिल्ली में हो रहा था, हजारों सिख मारे गए, तो राजीव गांधी ने क्या कहा? राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मैं दे दूंगा जी। बैंक डकैती सुना था आपने, पेट्रोल पंप डकैती सुना था, ये जनादेश की डकैती मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कर दिया इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त करके जनादेश की डकैती कर दिया। जनता नहीं चाहती थी भाजपा को, लेकिन इन्होंने डकैती डाल के, जनादेश की डकैती डाल के जबरदस्ती सरकार चलाया 5 साल। डकैती ये होता है कि BSP के 7 विधायक कांग्रेस तोड़ गई राजस्थान में, 6 मध्य प्रदेश में तोड़ गई, और 6 दिसंबर 1952 में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, आपने 4 राज्यों की सरकारें गिरा दी, 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, चुनी हुई सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, ये बात आप नहीं कह सकते। और दूसरा वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स पावर, यही है कि जो देश जुड़ा हुआ है उसको जोड़ने के लिए चल रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी को जोड़िए। जी, प्रतीक जी मेरे भाई बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। गोवा में किसने सरकार तोड़ी थी? पैसा देके किसने विधायकों को खरीदा? आपके ही मध्य प्रदेश में आज सबसे ज्यादा बुरा हाल है कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर BJP के कितने विधायक छोड़ के कमलनाथ जी की गोदी में जाके बैठ रहे हैं, और देखिए कितना घबराहट है, केंद्रीय मंत्री को विधायक का इलेक्शन लड़वा रहे हैं, ये भाजपा के हालात हो गए। और सुन लीजिए, तीनों राज्यों में क्या 5 राज्यों के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलेगी, और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खुलेंगे, और मणिपुर पर नहीं बोलते, मणिपुर की घबराहट है, इजराइल चाहिए इनको, इजराइल चाहिए, कौन सी मोहब्बत की दुकान है? देखिए प्रतीक जी, मैं विशेष डिटेल नहीं हूंगा, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो स्टेटमेंट कहा था, क्या हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो जातिगत जनगणना के ऊपर अभी आपने जो विषय उठाया था, मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। मेरी बहन ने बहुत सारी बातें की, मैं बहुत विनम्रता से मेरी बहन से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी बड़े नेता है या राजीव गांधी जी बड़े नेता है? मैं बहुत स्पष्ट शब्द में पूछना चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता है या राजीव गांधी बड़े नेता थे? याद कीजिए 1980 के अंदर जब VP सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन पर उन्होंने स्पीच कर दी थी, उन्होंने यही तो कहा था कि VP सिंह जी को आप समाज को तोड़ रहे हैं, आप जातियों में बांट रहे हैं, अगर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो जातिहीन और धर्महीन हमें ये समाज बनाना होगा। और ये कांग्रेस क्या कर रही है आज? उन क्षेत्रीय दलों के संग कटोरे के लेके भीख मांग रही है टिकट की, कि भैया हमें जाति हो गया, हो गया। मुझे तो लगता है ये अपनी जबान से पत्थर ना मार दें, थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करिए, बस समस्या ही है।